This conference will now be recorded. Welcome everyone. This side Dinesh Negi from Insergo Technologies Private Limited and Technics Solution. So यहाँ पे हमने अपने कल के लेक्चर में जाना था कि किस तरीके से हमको प्रॉपर्टी ऐड करनी है, किस तरीके से हमको मटेरियल्स ऐड करने हैं, अपने सपोर्ट्स ऐड करने हैं, और एक हमने बहुत सिंपल सा आपका डेड लोड अप्लाई करके देखा था इन अ सिंपल स्ट्रक्चर. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन टुडेज लेक्चर, आई विल टेल यू अबाउट हाउ टू असाइन डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टीज एंड व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द एरर्स एंड वार्निंग एंड हाउ एरर अकर एंड हाउ टू सॉल्व द एरर. मेरी इस बात को ध्यान से समझिएगा, अभी नहीं बता रहा हूँ, जब उस पॉइंट पे आऊंगा तब मैं आपको समझाऊंगा कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ. ओके, तो सबसे पहले इसको कट करते हैं. हम कहते हैं न्यू प्रोजेक्ट्स, स्पेस को चूज करते हैं, फुट एंड मेक इट किलो न्यूटन, जस्ट डू नेक्स्ट, एड बीम्स एंड मेक इट फिनिश. ओके, नाउ इन दिस पॉइंट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, यहां पे मैंने आपको काफी चीजें इसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दी है. सबसे पहले मैं यहाँ पे एक छोटा सा बनाऊंगा स्ट्रक्चर. ओके, और उस स्ट्रक्चर को मैं आपको मैं ये भी सिखाऊंगा कैसे कि आप उस स्ट्रक्चर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया था कि नोट को आप चूज करेंगे, पहला नोट कहीं पर भी आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, दैट इज 000. ओके, नाउ उसको आप ऑफ कर दीजिए, जस्ट ऑफ इट, गो टू दी नोट कर्सर, चूज दिस नोट, कंट्रोल सी कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल वी पेस्ट कर लीजिए, कहाँ पे, एक्स डायरेक्शन में, कितना, सपोज आपने बोला 10, एंटर. जूम को कम करते हैं, ठीक है, दोनों नोट को चूज करते हैं ड्रैग करके या कंट्रोल दबा के, कंट्रोल सी कॉपी, कंट्रोल वी पेस्ट. अब कहां करना है आपको उसको पेस्ट, जेड में दोनों को 10, देखिए जेड यहां पे है ना डायरेक्शन, चारों को चूज कीजिए, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, कंट्रोल सी कॉपी कंट्रोल वी पेस्ट करते ही आपका ये ऑप्शन आ जाएगा, आपने बोला -10 डाउनवर्ड डायरेक्शन में. ओके, इतना हमने बना दिया इसको. अब मैंने कहा इसमें ऐड बीम्स, मैंने इसमें आपकी बीम्स ऐड कर ली कुछ इस तरीके से, ये मैंने ऊपर के बना दिया आपके चार हॉरिजॉन्टल मेंबर और चार मैंने इसमें आपके जोड़ दिए नीचे वर्टिकल मेंबर्स, फाइन, ठीक है. अब मैं इसमें आपकी प्रॉपर्टी ऐड करूंगा और प्रॉपर्टी ऐड करके मैं आपको इसमें कुछ मल्टीपल चीजें दिखाऊंगा. ओके, तो मैंने क्या किया, मैंने यहां से बोला आपका प्रॉपर्टी पेज, प्रॉपर्टी पेज पे जाके आपको पता है हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं. डिफाइन किया मैंने पहले सर्कल, अब मैंने बोला सर्कल, ये देखिए वाई डी लिखा आ रहा है ना, वाई डी क्या है, डायमीटर है इसका, मैंने कहा 0.4. ओके, मटेरियल मैंने लिया है कॉन्क्रीट, बाय डिफॉल्ट आ जाता है, इसको मैंने ऐड कर लिया. फिर मैंने कहा रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल पे आके मैंने बोला वाई डी ये वाली डायरेक्शन, जेड डी ये वाली डायरेक्शन, अगर दोनों को मैं बराबर दे दूंगा 0.4 फीट, तो यानी ये बन जाएगा आपका स्क्वायर एड क्लोज, ठीक है. अब यहां पे देखिए, अब मुझे यहां पे क्या करना है, आपको पता है कि जो बीम्स हैं वो होती हैं आपकी रेक्टेंगल या स्क्वायर शेप की, और जो आपकी कॉलम्स हैं दे कैन बी ऑफ एनी शेप, वेदर इट इज रेक्टेंगल, इट इज सर्कल, इट इज स्क्वायर, इट इज पेंटागन, हेक्सागन, कुछ भी हो सकती है आपकी. तो मुझे अब इसमें प्रॉपर्टी अलग अलग डिफाइन करनी है, तो मैं यहां पर सर्कल बोल के सबको असाइन टू व्यू नहीं कर सकता हूं, क्योंकि इससे क्या होगा, सर्कल बोल के अगर बोलूंगा असाइन टू व्यू, तो इससे क्या होगा, इससे आपका हर जगह चाहे आपके बीम्स हो कॉलम हो सब आपके बन जाएंगे सर्कुलर और स्ट्रक्चर हमारा गलत हो जाएगा. तो सिंपली क्या करते हैं, पहले हम सर्कल पे चूज करते हैं, यहां से हम लेते हैं बीम कर्सर, याद रखिए आपने बीम चूज करना है, कंट्रोल दबा के आपने जितने भी आपको दिख रहे हैं योर वर्टिकल मेंबर्स सबको आप चूज कर लीजिए. पहले यहां से आप सर्कल चूज करेंगे, ऐड करने के बाद कंट्रोल दबा के इनको चूज कर लीजिए. नाउ यू विल नॉट गो फॉर असाइन टू व्यू, यू विल जस्ट चूज असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस एंड जस्ट क्लिक इन द स्क्रीन, इससे क्या होगा ये आपका हट जाएगा. नाउ चूज रेक्टेंगल, प्रेस कंट्रोल, चूज दिस वन दिस वन दिस वन एंड दिस वन. ओके, एंड से असाइन टू सेलेक्टेड बीम, असाइन यस क्लोज, बाहर क्लिक कर लीजिए एक बार.
वहां क्लिक करना जरूरी है। इससे क्या होगा, ये आपका पूरा का पूरा हो जाएगा डिसलेक्ट। नाउ क्लिक ऑन दिस रेंडर व्यू, यू विल सी, ये देखिए एक बन गया आपका सर्कल, एक बन गया आपका रेक्टेंगल। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक चीज मेरी ध्यान से सुनिएगा। स्टैट के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है एरर, एक होती है वार्निंग। एरर का मतलब क्या होता है, मैं आपको आज समझाऊंगा पहले एरर और वार्निंग कैसे होती है। ठीक है, मैंने इसमें आपका सपोर्ट जो है ऐड नहीं कर रहा हूं, मैं आई एम नॉट गिविंग एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। ठीक है, फिलहाल मैं इसमें कोई सपोर्ट ऐड नहीं कर रहा हूं, और मैं इसको करूंगा आपका एनालाइज। मैं गया आपके लोड पेज पे, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, जस्ट गो टू द लोड पेज, सिंपली क्लिक ऑन लोड केस डिटेल्स, क्लिक ऑन एड, चूज डेड, नाम चेंज करना कर लीजिए, नहीं करना मत कीजिए, एड, क्लोज, ये केस बन गया, चूज कीजिए इसको, एड कीजिए। यहां से बोलिए सेल्फ वेट, फैक्टर माइनस वन बाय डिफॉल्ट लेगा, एड, क्लोज। ठीक है, अब मैं इस सेल्फ वेट माइनस वन को क्लिक करूंगा, बोल दूंगा असाइन टू व्यू, असाइन, यस, हो गया। नाउ गो टू दी कमांड्स, से एनालिसिस, परफॉर्म दी एनालिसिस, ऑल ओके। ये तो करना होता है ना, आपको याद है, गो टू एनालाइज, रन एनालिसिस, सेव। देखिए क्या होता है आपकी एनालिसिस में, इस बार क्या लिखा गया, टू एरर्स जीरो वार्निंग। अब यहां पे आपकी एरर आ गई है, मिस्टेक हो गई है, और मैंने आपको बताया था ना, जब भी एरर आएगी यू कांट गो टू दी पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, यू कैन ओनली गो टू दी आउटपुट फाइल और स्टेन मॉडलिंग मोड, जस्ट क्लिक ऑन दी आउटपुट फाइल। आप इसका एनिमेशन वगैरह चेक नहीं कर पाओगे क्योंकि ये आपका सॉल्व नहीं हुआ, यहां पे एरर आई है। अब एरर क्या है हमें ये समझना है, तो आपने क्या किया, क्लिक करा आउटपुट फाइल पे, डन कर दो, डन करते ही एक पेज खुलेगा आपके सामने, यहां लिखा है एरर, एरर लिखा है, इस एरर पे क्लिक करो, क्या कह रहा है, एरर इन सपोर्ट इनपुट और देयर इज नो सपोर्ट, यानी कि कभी अगर आप सपोर्ट नहीं दोगे ना तो आपका एरर आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं, सपोर्ट देते हैं, कैसे, दोबारा आपको जाना पड़ेगा मॉडलिंग पे एंड देन ज्योमेट्री पे, क्लिक कीजिए आप सपोर्ट पे, क्रिएट कीजिए, फिक्स, एड कीजिए सपोर्ट टू, चारों नोड को चूज कर लीजिए एंड सिलेक्टेड नोड को असाइन कर लीजिए, असाइन, यस, क्लोज। ठीक है, अब एनालाइज, रन द एनालिसिस, सेव, गो टू पोस्ट प्रोसेसिंग मोड, डन, इतना हो गया आपका, अप्लाई, ओके। ठीक है, तो एरर आपकी आती है, तो अभी हमने जाना कि पहले केस में कि एरर क्यों आती है। ये हमारा केस क्या था, ये हमारा केस था आपका जब हमारा सपोर्ट नहीं होगा। इस लेक्चर को यहीं पे क्लोज करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे कि एरर क्यों आता है जब हम प्रॉपर्टी नहीं देते हैं, और फिर जानेंगे हम उसके नेक्स्ट लेक्चर में कैसे आपको लाइव लोड देना है इसमें, और कैसे हमें बिल्डिंग को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, चलिए, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कुछ भी आप पे कमेंट्स हो प्लीज मुझे इन्फॉर्म कीजिए, आई विल श्योरली मेक अ बेटर लेक्चर फॉर यू। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर।